गाइस नमस्ते, मैं अजीत कुमार और आज आए हैं हम एंजल प्रोजेक्टर स्टूडियो में और आज देखेंगे हम प्रोजेक्टर स्टूडियो अंदर से कैसा रहता है और क्या क्या काम होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्यों आए हुए, तो मैं यहाँ पे काम करते हुए कुछ 5 साल हो गया है, लेकिन मैं नॉर्मली एक फील्ड में काम करते हुए 5 साल हो गया है और बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो आते हैं सिनेमा देखने और बहुत बार मुझे पूछे हैं कि भाई आपका प्रोजेक्ट है उसको भी कैसा रहता है, थोड़ा हमको दिखाओ, हमको थोड़ा देखना है और कैसा काम करते हैं वहाँ पे, क्या क्या चाहिए रहता है ऑपरेट करने के लिए, अभी हमको जानना है थोड़ा। बहुत सारा मतलब बहुत सारा लोगों का क्यूरियोसिटी रहता है कि आप यहाँ पर क्या क्या काम होता है, तो वो पूरा जानकारी लेने के लिए हम आए हैं। तो चलिए गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अंदर। आप देख सकते हैं ये है एक प्रोजेक्टर और ये नॉर्मली एक 4K प्रोजेक्टर है और इसमें हम नॉर्मली 2K और 4K मूवीज भी प्ले कर सकते हैं। और आप जो ये पूरा देख रहे हैं ये एक नॉर्मली, ये आप सब लोगों को मालूम होगा कि इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, तो उसकी वजह से पूरा मतलब ऐसा कोई सिनेमा या कोई भी मल्टीप्लेक्स नहीं है जो कि ऑपरेशनल है, तो इसी के वजह से वो पूरा डस्ट के वजह से ये पूरा ब्लॉक करके रखा गया है। तो चलिए थोड़ा डिटेल जानते हैं। यहाँ पे हमारे थोड़ा स्विचेस वगैरह रहता है, तो यहाँ से वो लोग ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, स्टार्ट बटन है, उसके बाद जूम आउट सब कर सकते हैं यहाँ से। और ये जो आप देख रहे हैं प्लग्स वगैरह है और ये जो है सेटअप, ये नॉर्मली जो फाइल प्रोजेक्टर के सर्वर से इसको मतलब इंपोर्ट होता है वो पूरा डिक्रिप्ट करने के लिए ये पूरा ये सेटअप है। और ये है ये जो है ये मेन है, ये है नॉर्मली जो प्रोजेक्टर का सर्वर है ये, तो ये सर्वर और ये है इसका स्क्रीन जो इसका स्पेशलिटी है। और यहाँ से भी नॉर्मली वो ऑपरेट कर सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ से ये स्क्रीन से वो लोग ऑपरेट कर मतलब प्ले कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं मूवी को। और गाइस अब तो हाँ, और एक बात तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा ब्लॉक है, तो इसके वजह से मैं आपको स्क्रू वगैरह पूरा ओपन करके मैं दिखा नहीं सकता हूँ अभी, तो ऐसे ही थोड़ा बता दूंगा तो उससे थोड़ा सा आपको जानकारी मिल जाए। तो ये जो बेसिकली है ये इसका अंदर का जो है उसको नॉर्मली लैम्प हाउस बोलते हैं। लैम्प हाउस नॉर्मली ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको लैम्प बोलते हैं, और ये नॉर्मली बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन गाइस ये बहुत ज़रूरी है। और ये आपको आप देख सकते हैं ये कितना छोटा दिख रहा है, लेकिन गाइस इसका प्राइस ऑलमोस्ट 70,000 रहता है, 70,000 तक आता है इसका प्राइस। तो गाइस विदाउट अलार्म मतलब वो मूवी तो चला नहीं सकते हैं, जो आपको फोकस मिलता है एक मूवी को जो फिल्म जो चल रहा होता है उसको जो फोकस जो मिलता है वो इसी से ही मिलता है। तो गाइस ये जो है आप देख सकते हैं ये सर्वर को अटैच करता है और ये नॉर्मली इसको ऑटोमेशन बोलते हैं। तो ऑटोमेशन का काम क्या रहता है, बेसिकली जो भी मूवी प्ले होता है तो आप लोग नॉर्मली आप लोग देखे होंगे कोई भी ऑडी में या कोई भी मतलब मूवी थिएटर में एंटर करते टाइम आप देखे होंगे बहुत सारा लाइट्स मतलब वॉल लाइट्स ऑन रहता है, और जो मूवी स्टार्ट होता है जब मूवी स्टार्ट होता है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, और जब इंटरवल टाइम होता है इंटरवल स्टार्ट होता है तब फिर से ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो ऑन ऑफ वो पूरा प्रोग्राम इसमें किया हुआ रहता है, और वो पूरा मतलब ऑन टाइम ऑन होना ऑफ होना ये पूरा ये मशीन देख लेता है।
अब तक का बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं हम, तो अब जानेंगे नॉर्मली जो जो बहुत ज़रूरी रहता है जो मूवी को, मतलब एक मूवी प्ले करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए हो। तो बेसिकली मूवी एक प्ले करने के लिए हमको एक DCP का ज़रूरत रहता है। DCP बोले तो डिजिटल सिनेमा पैकेज। तो जो जो मूवी रहता है वो मूवी को डिस्ट्रीब्यूटर जो भी रहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो हमको एक कंटेंट देते हैं, एक वो नॉर्मली एक हार्ड डिस्क की तरह आता है और उसमें वो लोग वो DCP को अपलोड या डाउनलोड करके हमको भेजते हैं। तो उसको हमको क्या करना रहता है, वो हम यहाँ पे इंजेस्ट करना रहता है। वो हमको डिलीवर होने के बाद हम जो ये आप देख सकते हैं ये एक केबल यहाँ से आ रहा है, उसको इंजेस्टिंग केबल बोलते हैं। तो इसके थ्रू हम वो जो केबल रहता है उसको कनेक्ट करने के बाद ये नॉर्मली डाउनलोड होना चालू हो जाता है। तो डाउनलोड होने के लिए गाइस वो जो DCP रहता है नॉर्मली जो 4K मूवीज रहता है उसका DCP मतलब जो लेंथ रहता है वो ऑलमोस्ट 300 GB तक आता है। वो मतलब 4K मूवीज 300 और जो 2K मूवीज बेसिकली है वो 150 से 200 GB के अंदर आता है। तो इसी के वजह से हमको नॉर्मली एक वेट करना पड़ता है ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे। तो उसके बाद गाइस इवन ये एक मज़ेदार बात है गाइस, जब हम डाउनलोड कर लेते हैं, मतलब वंस डाउनलोड होने के बाद भी हम मूवी को प्ले नहीं कर सकते हैं। जो जो भी मतलब वो कंटेंट वगैरह आता है वो लॉक रहता है। तो उसको अनलॉक कैसे करते हैं, उसको अनलॉक करने के लिए भी एक की का ज़रूरत रहता है। की मतलब एक क्रिप्टेड फाइल रहता है, वो लोग भेजते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब एक बार कंटेंट भेजते हैं उसके बाद मतलब एक स्पेसिफिक टाइम रहता है, वो टाइम को वो लोग KDM भेजते हैं। KDM की डिलीवरी मैसेज बोलते हैं उसको। तो वो है वो एक मेल के जरिए वो लोग भेजते हैं और वो मेल को हम मतलब वो फाइल को हम इसमें प्रोग्राम करते हैं। तो प्रोग्राम करने के बाद मतलब वो जो है कंटेंट वो अनलॉक होता है, उसके बाद ही गाइस हम प्ले कर सकते हैं, उसके पहले प्ले नहीं कर सकते। तो गाइस जो KDM जो आता है वो लोग हमको इतने कुछ स्पेसिफिक डेज के लिए देते हैं, एक एक मतलब ब्लॉकबस्टर मूवी इतना दिन के लिए, ये मतलब एक 24 घंटे के लिए, नहीं तो 2 दिन 3 दिन या 7 दिन, ऐसा वो नॉर्मली एक प्रायर टाइम के लिए देते हैं और उतना टाइम के लिए उतना दिन ही हम वो मूवी को प्ले कर सकते हैं। उसके बाद वो उस मतलब अगर मूवी अगर अच्छा चलता है या मूवी उतना अच्छा नहीं चल रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड है। तो अगर मूवी अच्छा चल रहा है तो हमको नॉर्मली उनको फिर से रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, तो उसके बाद फिर से वो लोग भेजते हैं KDM वैसे ही मतलब स्पेसिफिक डेज के लिए। तो KDM का जो है ऐसा रहता है। और गाइस ये दो चीज़ें चाहिए नॉर्मली हमको मूवी स्क्रीन करने के लिए स्टूडियो में। तो गाइस ये जो पूरे सेटअप देख रहे हैं आप लोग, इसको बेसिकली साउंड ट्रैक बोलते हैं। और यहाँ पे जो है यहाँ पे नॉर्मली ये 7.1 सराउंड सिस्टम ये यूज कर रहे हैं। तो उसको वो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और वो साउंड सिस्टम को मेंटेन करने के लिए ये पूरा इंस्टॉल किया गया है। और ये जो देख रहे हैं आप ये एम्पलीफायर्स है, बहुत सारे एम्पलीफायर्स और वो पूरा हैंडल करने के लिए प्रोसेसर है। तो गाइस आप ये जो सेटअप देख रहे हैं ये बहुत महंगा रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं, मतलब एक ये पूरे जितने भी है वो स्पेसिफिक मतलब एक एक ऑडी के लिए है। तो नॉर्मली यहाँ पे 4-5 ऑडी हैं, तो उसके हिसाब से 5 रैक रखे गए हैं इधर। और ये गाइस आप एक बात, ये जो सेटअप देख रहे हैं ये 60 लाख रहता है, मतलब ये सेटअप करने के लिए ऑलमोस्ट 60 लाख से ज़्यादा लगता है। तो
आप लोग सोच रहे होंगे जब भी मूवी को आते हैं तो मतलब इतना पैसे क्यों लेते हैं, ये इतना चार्ज क्यों करते हैं एक मूवी के लिए। तो गाइस बेसिकली ये जो सेटअप रहता है वो बहुत एक्सपेंसिव रहता है और ये पूरा चीज़ें मेंटेन करने के लिए और मतलब इस चीज़ ये चीज़ के अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो कि बहुत एक्सपेंसिव रहता है, तो इसी के वजह से वो लोग थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो गाइस अब तक तो हम सभी कैप्चर कर लिए हैं, लेकिन जो लास्ट है मेन है वो बेसिकली वो तो एक इंडिविजुअल ऑडिटोरियम का था। अब देखते हैं पूरा यहाँ पे जो है टोटल 5 ऑडिस है, तो 5 ऑडिस का जो हम कंट्रोल करते हैं यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली इसको जो बोलते हैं आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन 1 स्क्रीन 2 3 4 5 और 4 में जो है मूवी अभी कितना तक चल रहा है वगैरह देख सकते हैं। और यहाँ से इसको बेसिकली बोलते हैं TMS बोले तो ये थिएटर मैनेजमेंट सर्विस बोल सकते हैं इसको। ये बेसिकली यहाँ से हम पूरा ऑडी का जो भी चल रहा है वो पूरा ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ बेसिकली। तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे नॉर्मली हम प्ले पोस्ट या फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ भी यहाँ से हम कर सकते हैं बिना वो प्रोजेक्टर को छुए। गाइस आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और जैसा कि ये मेरा पहला वीडियो था और आगे आने वाले दिनों में मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि सिनेमा थिएटर से जुड़ी हुई रहेगा, तो वो पूरा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल बटन है उसको दबा दीजिए। तो थैंक यू गाइस, नमस्ते, बाय बाय।